हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में अपने ऑर्डर्ड पेयर, कार्टिजन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपने इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि दो एलिमेंट होते हैं जिन पे आपको क्या होता है, ऑर्डर फिक्स होता है। जैसे मैंने लिखा कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी, तो इनका ऑर्डर फिक्स है। ए फर्स्ट है, पहले तो फर्स्ट नंबर पे है तो ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, और बी सेकंड पे है तो सेकंड पे रहेगा। इनका ऑर्डर फिक्स है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। और इसमें जो ए और बी एलिमेंट्स हैं, ये आपके किससे बिलोंग करेंगे, सेट से। ए एलिमेंट ए सेट से होगा और बी एलिमेंट किससे होगा, बी सेट से होगा, यदि आपने ए और बी के अकॉर्डिंग आपने ऑर्डर पेयर बनाए हैं। तो आपके पास जो ये दो एलिमेंट हैं, ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, और वो आपका डिपेंड करेगा सेट के ऊपर। और इन पे ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर जो इन्होंने फिक्स कर दिया वही रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सेट में तो क्या होता है कि ऑर्डर अपने चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ एलिमेंट सेट के अंदर, तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, 1 3 2 भी लिख सकते हो, सेट में वैलिड है। पर ऑर्डर पेयर में ये वैलिड नहीं है। ऑर्डर पेयर में आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और नेक्स्ट अपने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। यदि अपने पास दो सेट इक्वल, दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हुए हैं, तो उनसे अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, दो आपके ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। आपके पास ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि आपके पास दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए और बी की। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा, तो इनको सोल्व करने पर अपने को वैल्यू मिल जाएंगी ए और बी के। नेक्स्ट अपने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए सेट और बी सेट, उनका प्रोडक्ट कैसे करना है। प्रोडक्ट करने का मतलब यहाँ एलिमेंट का प्रोडक्ट नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ उनके क्या बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो अपने प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, और सेकेंड एलिमेंट जो अपने प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने पास दो सेट दिए हैं ए और बी, अपने क्या करने थे कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में अपने फर्स्ट एलिमेंट किसका लिखेंगे, ए का, और सेकंड एलिमेंट किसका लिखेंगे, बी का। जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे सब लिखेंगे। तो वन से अपने क्या लिखा, वन को अपने पहले पास किससे, एट से लिखा, वन को फिर नाइन से ऑर्डर पेयर बनाया, टू का एट के साथ और टू का नाइन के साथ। तो जितने पॉसिबल अपने पास बनेंगे सबके सब ऑर्डर पेयर अपने लिखने होते हैं ए क्रॉस बी में, कार्टिजन प्रोडक्ट में। कार्टिजन प्रोडक्ट में अपने को किन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, तो वो किसके इक्वल टू होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यदि इनफाइनाइट सेट है तो कार्टिजन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और ए और बी में कॉमन एलिमेंट अपने पास एन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, एन स्क्वायर होंगे। ये अपने एग्जांपल से समझा था कि ए में 1 2 3 एलिमेंट और बी में 2 3 एलिमेंट है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने होंगे, 2 स्क्वायर, एन स्क्वायर होते हैं तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, आई होप आपने ये सब कर लिए होंगे। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी इनमें कोई। नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट। आपके पास दो सेट है, उनकी आपको क्या करनी है, डायग्राम रिप्रेजेंट करना है ए और बी। ए सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 5, और बी सेट में एलिमेंट है कौन, ए एंड बी। तो आपको इनका क्या करना है कि डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। देखो, अपने क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी कार्टिजन प्रोडक्ट है, कार्टिजन प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, जितने पॉसिबल अपने पास कॉम्बिनेशन बनेंगे सबके सब लिखने हैं। ठीक है, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे सबके सब लिखने हैं। वन का ऑर्डर पेयर अपने ए के साथ भी बनाना है और बी के साथ बनाना है, कार्टिजन प्रोडक्ट में तो सब लिखने होते हैं। और थ्री का ए के साथ, थ्री का बी के साथ ऑर्डर पेयर, और फाइव का ए के साथ, फाइव का बी के साथ। तो अपने फाइव को ए के साथ मैप कर दिया और एरो लगा देंगे 5 to A, क्योंकि अपने जो कार्टिजन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी है। नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ा था रिलेशन। रिलेशन क्या होता है कि जो आपने ए क्रॉस बी बना लिया उसमें तो अपने सारे पॉसिबल जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं सबके सब लेते हैं, पर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि उसके जितने भी सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी का, कोई भी सबसेट लेंगे वो खुद एक क्या होगा, रिलेशन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है ए और बी, अब उसमें आपको R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3, बताना है कि कौन रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है, जो A क्रॉस B का सबसेट होगा वो रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो
ए क्रॉस बी में क्या होता है कि अपने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, और जब उसका सबसेट लेंगे तो कुछ पॉसिबल ऑर्डर अपने पास आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में, ठीक है। तो अपने पास वो उसका क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। और यदि इस सेट में इसमें ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं बनेगा तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। बस आपको ये चेक करना है कि ये आर वन आर टू आर थ्री ये ए क्रॉस बी के सबसेट हैं या नहीं है। सबसेट है तो रिलेशन बनेगा, सबसेट नहीं है तो रिलेशन नहीं बनेगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अपने पास क्या रिलेशन में है तो अपने क्या लिखेंगे, ए पी रिलेशन में है तो अपने क्या लिखेंगे, ए पी बिलोंग्स टू आर वन, और इसको लिखना होगी ए का पी के साथ रिलेशन है, ए रिलेशन पी। रिलेशन किस टाइप का, आर वन टाइप का, तो ए रिलेशन पी, ए इज रिलेटेड टू, ए इज रिलेटेड टू पी, ठीक है। और इसे सिमिलरली ऐसे बी इज रिलेटेड टू आर, सी इज रिलेटेड टू एस। अब इसमें आर वन में बात करें तो ए का रिलेशन है वो अपने पास पी के साथ है बट क्यू के साथ नहीं है। ए वन इज नॉट रिलेटेड टू क्यू। आर वन में ए का रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। नहीं है तो कौन सा यूज करेंगे अपने, इज नॉट रिलेटेड टू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी अपने पास हो गया। उसके बाद में अपने तीन चीज़ें सीखी थी कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन क्या क्या होंगे, ठीक है। रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे, देखो जब डोमेन और रेंज की बात होगी तो आपको किसके पास जाना है, रिलेशन के पास। रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन बताएगा और सेकंड एलिमेंट बताएगा क्या, रेंज बताएगा। और जो कोडोमेन की बात होगी, कोडोमेन के लिए आपको किसके पास जाना है कि जो रिलेशन जैसे ए टू बी है तो बाद वाला सेट क्या बनाता है, कोडोमेन बनाएगा। बाद वाला सेट क्या बनाएगा, कोडोमेन बताएगा। यदि रिलेशन बी टू सी हुआ तो फिर अपने पास कौन बनाएगा, कोडोमेन सी सेट बनाएगा। ये रिलेशन पे डिपेंड करेगा कि रिलेशन कैसा आपको डिफाइन किया है। ए से बी है तो बी, बी से सी है तो सी, और बी टू से ए डिफाइन है रिलेशन, तो कोडोमेन क्या होंगे आपके, ए होंगे, कोडोमेन, कोडोमेन। तो बाद वाला सेट आपका क्या बनेगा, हमेशा कोडोमेन बनेगा, ठीक है। रिलेशन पे ध्यान देना, ए और बी की बात नहीं करें, जो बाद में लिखा होगा वही आपका क्या होगा, कोडोमेन होगा। और जो रेंज होती है और आपके पास डोमेन होता है, आपको रिलेशन के पास जाना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन बताता है और सेकंड एलिमेंट आपका क्या बताता है, रेंज बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताने थे, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपने सीखा था कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, वो तो अपने पास एक अपने पास आर वन आर टू आर थ्री थे, उनको चेक कर लिया कि हाँ ये इसका रिलेशन है। ऐसे कितने सारे रिलेशन अपने बना सकते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेगा तो आपको कैसे, देखो रिलेशन होता क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए में अपने पास कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मान लेते हैं कि ए में एलिमेंट कितने हैं एन और बी में कितने एलिमेंट हैं एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने हो गए, एन इंटू एम। चलो ये तो हो गए सेट में एलिमेंट, अब बताओ कि सबसेट बनाने हो तो सबसेट, किसी भी सेट से सबसेट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, सेट में कितने एलिमेंट हैं, एन इंटू एम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम आर ए टू बी। ये रिलेशन बनाने हैं आपने ए से बी में, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, टू टू द पावर एन इंटू एम। एन किसको शो करता है आपका, कि जो आपका सेट है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट को, और बी किस, एम किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और सिमिलरली अपने कहें कि रिलेशन आपको बनाना है ए टू ए, ए और ए दोनों ही क्या, बी भी क्या बन जाए, ए दोनों सेम हो जाए, तो अपने पास क्या फॉर्मूला था, एन इंटू एम। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो ए और मतलब बी, बी भी क्या एक इक्वल, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, एन इंटू एन। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू इंटू एन स्केयर, ठीक है। ये रिलेशन ए टू ए है और ये रिलेशन ए टू बी है, ठीक है। इसको अपने रीड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आज अपने शुरू करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेशन में कैसे सॉल्व करनी है आपको। देखो पहली प्रॉब्लम अपने पास क्या है कि लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ वन टू थ्री एंड सो ऑन,
अप टू 14, 14 तक आपके पास एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? ए से ए. तो अपने डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. इधर भी अपने पास ए सेट है और इधर भी अपने पास ए सेट है. सेट में एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हैं? 1, 2, 3, अप टू 14 तक. नेचुरल नंबर है सब 1, 2, 3, अप टू 14 तक. अब रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन डिफाइन है कि आपके पास आर इक्वल टू, रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के में. सच दैट कंडीशन क्या है कि 3x - y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. एंड xy बिलोंग्स टू किसके एलिमेंट होने चाहिए? ए. x की वैल्यू भी सेट में से होनी चाहिए और y की वैल्यू भी किस में से होनी चाहिए? सेट में से होनी चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट है x है, तो x किसका एलिमेंट है? इधर लिखा अपने. और y है बाद वाला, तो किसका एलिमेंट है? इसका. एक्स और वाई दोनों किस में से हम बिलोंग करने चाहिए? ए से बाहर कोई वैल्यू नहीं जानी चाहिए. चल क्या गिवन है? रिलेशन कंडीशन क्या है? 3x - y इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं. 3x - y राइट हैंड साइड आके किसका हो गया? प्लस का वाई. और 3x = y, वाई देन वाई इक्वल टू 3x. देखो वाई किसके इक्वल टू आ गया? 3x के ऊपर. अब एक्स की वैल्यू अपने किससे चेंज करनी है? ए से. चलो एक्स पुट एक्स इक्वल टू 1, देन वी गेट एक्स को 1 पुट किया तो वाई किसके इक्वल टू? 3 × 1. वाई की वैल्यू कितनी होगी? 3. एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 6. ऐसे अपने वैल्यू पुट करके सबकी वैल्यू निकाल लेंगे 1 से लेके 14 तक. अब आप देखो कि जो वाई की वैल्यू किस में से होनी चाहिए? सेट में से. और सेट में वैल्यू कहाँ तक है? 14 तक. तो 12 तक तो वैल्यू है, बाकी 15 अपने ए सेट में नहीं है, 42 नहीं है. तो देखो कि कहाँ तक अपने पास वैल्यू है? 4 तक. जब एक्स की वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, अप टू 40 तक है, तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को? 15, 18 और अप टू 42, विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए. तो ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये अपने पास क्या? सेट में बिलोंग नहीं करती हैं. तो अपने ये अपने ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि अपने को ऑर्डर्ड पेयर तभी बनेंगे जब एक्स और वाई की वैल्यू किससे बिलोंग होंगी? ए से. अपने एक्स की वैल्यू ए में चूज की और अपने पास जो जो वाई की वैल्यू आई अपने उनको कैलकुलेट किया. फिर अपने चेक किया कि एक्स और वाई की वही अपने ऑर्डर पेयर काउंट करेंगे जो इन सेट में होंगे. तो अपने एक्स और वाई का ये ऑर्डर पेयर अपने काउंट कर लिया, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बन रहा था 5, 15, 5 और 15. ये अपना रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने पास एक्स है, ये तो ए का एलिमेंट है, बट जो वाई है ना आपका वो ए का एलिमेंट नहीं है. इसलिए अपने इसको छोड़ लिया. एक्स की वैल्यू जब 5, 6, 7 अप टू 14 लेते हैं तो वी गेट वाई इक्वल टू 15, 18, 14, 2, विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए. तो रिलेशन अपने पास ये बन गया. अब इस रिलेशन में डोमेन लिखना है. डोमेन और रेंज लिखने के लिए किसके पास जाएंगे? रिलेशन में. फर्स्ट एलिमेंट कौन बताएगा? डोमेन. तो डोमेन की वैल्यू कितनी होगी? 1, 2, 3, 4. और रेंज की 3, 6, 9 और 12. और कोडोमेन देखने के लिए बाद वाले सेट के पास जाते हैं. बाद वाला सेट कौन है? ए. तो ए अपना कौन बताएगा? कोडोमेन बताएगा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है कि आपके पास जो रिलेशन है वो डिफाइन किस पर है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो मतलब इधर भी नेचुरल नंबर है, एक ही सेट दिया ना, तो दोनों साइड नेचुरल नंबर ए सेट सेम है. तो नेचुरल नंबर पे आपको रिलेशन बनाना है. अब रिलेशन कैसे डिफाइन है कि रिलेशन में एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर हैं, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4. और क्या गिवन है? एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स वाई दोनों किस पे बिलोंग करने चाहिए? नेचुरल नंबर सेट से. ठीक है, कंडीशन अपने पास क्या है? वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5. चलो, और एक्स क्या है? इज नेचुरल नंबर लेस देन 4. और मुझे बताओ एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, कौन कौन से नेचुरल नंबर है लेस देन 4 है? कौन कौन से आएंगे? सिर्फ 1 और 2 और 3. आपको सिर्फ तीन ही वैल्यू चूज करनी है, 1 और 2 और 3, क्योंकि एक्स पे उसने कंडीशन लगा दी कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4. 4 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं. तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? 1, 2 और 3. एक्स की वैल्यू 1 है तो वी गेट एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को? 6. ऑर्डर पेयर कौन सा बन गया? 1, 6. एक्स की वैल्यू 2 लिखेंगे तो वाई क्या अपने को मिलेगा? 2 + 5 = 7, 2, 7. और 3 लिखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 + 5 = 8. अपने एक्स की वैल्यू सिर्फ तीन ही वैल्यू ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर कंडीशन लगी हुई है एक्स इक्वल टू लेस देन 4.
तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मिली अपने पास, 1, 2 और 3। देखो जो वाई की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर ही है, सब 6, 7, 8 तो सब पॉसिबल है। तो अपने पास जो रिलेशन बना के वो क्या बना, 1, 2, 6, 2, 7 और 3, 8, ये अपने पास ऑर्डर पेयर बने। अब अपने पर डोमेन लिखना है, तो डोमेन वो कौन बताता है रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3, और रेंज कौन बताता है सेकंड एलिमेंट कौन कौन बताए, 6, 7, 8, सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6, 7, 8, और कोडोमेन कौन बताता है अपने पास, ये सेकंड सेट बताएगा, सेकंड सेट का है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट आपका पास क्या बन जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ए और बी सेट दिए हुए हैं, ए सेट दिया हुआ है आपके पास 1, 2, 3, 5 और बी सेट दिया हुआ है 4, 6 और 9, दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी है, और रिलेशन कैसा है कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड एंड एक्स ए का मेंबर होना चाहिए और वाई किसका मेंबर होना चाहिए, बी का। देखो एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब होता है वाई माइनस एक्स इज ऑड, एक्स ए का एलिमेंट एंड वाई बी का एलिमेंट। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब होता है वाई माइनस एक्स वो क्या होना चाहिए, ऑड होना। ठीक है चलो, अपने एक्स और वाई किस, एक्स किसके मेंबर लेने हैं अपने ए के, और वाई किसका मेंबर लेना है बी का। चलो पहले अपने मेंबर लेते हैं 1 और दूसरा मेंबर क्या लिया 4, 1, 4 को चेक कर रहे हैं, 1 और 4 को चेक कर रहे हैं, तो 4 पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। पहले अपने किसकी बात कर रहे हैं, 1 और 4 की, 1, 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 3। ठीक है चलो, नेक्स्ट अपने चेक कर रहे हैं 1 का डिफरेंस 6 के साथ, 6 माइनस 1, अब ये चेक कर रहे हैं, फिर ये चेक करेंगे, फिर 9 माइनस 1, इनका डिफरेंस क्या आया, सबका ओड आया है ना। सिमिलरली अब चेक करते हैं 2 के साथ, 2 का 4 के साथ डिफरेंस, 2, 4, 2, 6 और 2, 9 का, इनका डिफरेंस चेक करें तो क्या आएगा, 2, 4 और 7। ठीक है नेक्स्ट चेक करते हैं 3 का, 4 माइनस 3, 6 माइनस 3, 9 माइनस 3, और नेक्स्ट चेक करेंगे 5 के साथ, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5 और 9 माइनस 5, इनकी वैल्यू कितनी है, 1, 3 और 6 माइनस 1, 1 और 4। अब मुझे बताओ किन किन का डिफरेंस ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये इवन है, ये इवन है, इवन है, ओड 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 और ओड, ये अपने पास क्या है, एक्स और वाई अपने डिफरेंस लिए उनका क्या है अपने पास, ओड आया। बताओ तो रिलेशन में कौन कौन से मेंबर आएंगे, 4, 1 का डिफरेंस कितना आया, 3 आया, 4 माइनस 1, तो रिलेशन 1 का किसके साथ हो गया, 4 के साथ, 6, 1 का है तो 1 का रिलेशन किसके साथ, 6 के साथ, और 1 का रिलेशन 9 के साथ। ठीक है देखो पहले कौन लिखा हुआ है वाई और बाद में कौन लिखा हुआ है एक्स, अपने लिखना किसको होता है एक्स को पहले, तो इसलिए मैंने 1 पहले लिखे हैं। अब इनमें देखो कौन सा ऑर्डर है, 9 और 2, तो रिलेशन अपने ऑर्डर पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, 9, 3, 4 और 3, 6 और 5, 4, बाद वाला है अपना एक्स है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ सबको, और 5, 6, तो ये आपका रिलेशन बन गया है ना। तो अपने को रिलेशन लिखने थी रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, तो बस आपको ये एलिमेंट ऐसे चूज करके जो रिलेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करेंगे, वही अपने ऑर्डर पे आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए सेट दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। अभी इतना ध्यान से देख के एग्जाम में करने होते हैं क्वेश्चन, कई बार क्या है ना अपने इसको कंटिन्यू मान लेते हैं कि ये 1 से लेके 6 तक है, ऐसा नहीं है, इसमें 5 के बीच में स्किप है, 1, 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, ए सेट भी डिफाइन है तो नेक्स्ट सेट में अपना क्या होगा, ए ही होगा, नेक्स्ट सेट में लिख लो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 6। देखो अब रिलेशन कैसा है, रिलेशन में ए बी टाइप के अपने पास क्या ऑर्डर पेयर है, ए बी किसके एलिमेंट होने चाहिए, ए के, एंड बी इज एक्जैक्टली
divisible by a. a b is divisible by a का मतलब होता है कि b में a का भाग जाएगा, ठीक है. a डिवाइड b इसका मतलब होता है a डिवाइड b, a डिवाइड करेगा b को, या b में किसका भाग जाएगा, a का भाग जाएगा, ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि अपने अब a और ये नंबर चूज करने हैं, ठीक है, तो a का b के साथ रिलेशन कब होगा, जब b में भाग जाएगा a का, ठीक है. ये b है आपके, है ना, और ये a है. अब मुझे बताओ कि 1 में किसका भाग जाएगा, 1 में 1 का भाग जाएगा, ठीक है, b इज डिविजिबल बाय a, और 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 1 में 3 का भाग, ऐसे चेक कर रहे हैं, 1 में 4 का, 1 में 5 का, 1 में 5 तो है ही नहीं, 1 में 6 का, नेक्स्ट 2 में 1 का, 2 में, फिर 2 को सबके साथ चेक कर रहे हैं, 2 में 3 का, 2 में 4, 2 इज डिवाइड बाय 6, सिमिलरली 3 बाय 1, 3 बाय 2, 3 बाय 3, 3 बाय 4, 3 बाय 6, 4 बाय 1, 4 बाय 2, 4 बाय 3, 4 बाय 4, 4 बाय 6, और 6 बाय 1, 6 बाय 2, 6 बाय 3, 6 बाय 4, 6 बाय 6. चलो देखो, ये है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 में 1 का जा रहा है, 2 में 2 का जा रहा है, 2 में 3 का नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब कोई नंबर आना चाहिए भाग देने पर, इसमें नहीं जा रहा, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, 3 में 6 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 4 में, हाँ 4, 4 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 2 जा 4, ये नहीं जाएगा, 4 में 4 का चला जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 6 में 1 का, 6 में 2 का, 6 में 3 का, और 6 में 6 का, ये अपने गए. चलो रिलेशन बताओ अब क्या बनेगा, ऊपर वाला एलिमेंट अपना b है, नीचे वाला एलिमेंट क्या है, e है, तो अपने b e पहले वाले नीचे वाले एलिमेंट को लिखेंगे, 1, 1 फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो में 1, 2, फिर नेक्स्ट कौन आएगा, 2, 2, नेक्स्ट नीचे वाला एलिमेंट अपने पहले लिखना है ना, 1, 3 और फिर 3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 1, 6, 2, 6, 3, 6 और 6, 6, ठीक है. ये ए है, ये बी है, b is divisible by a, 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, 4 is divisible by 2, अपने roster form लिख दिया. अब इसमें domain और range लिखनी, इसके जो first element होंगे वो क्या बनाएंगे, domain बताओ क्या आएगा, domain में अपने लिखा 1, repeat नहीं करना, कोई set बना रहे हैं ना, तो 1 में फिर first element 1 था, 2, 1 अपने लिख लिया, next कौन आएगा, 3, next कौन आएगा, 4, और next कौन आएगा, 6. ये तो क्या डोमेन, और रेंज की बात करें तो सेकंड एलिमेंट देखो, सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 6, तो डोमेन भी 1, 2, 3, 4, 6 है, और रेंज के 1, 2, 3, 4, 6 है. चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या, डिटरमाइन द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रिलेशन. देखो रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन में क्या कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर है x और x प्लस 5, और x की वैल्यू आपने क्या चूज करनी है, 0, 1, 2, 3 और 4, 5. x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, अपने वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 0, 0 प्लस 5, x की वैल्यू ये है 0, नेक्स्ट कौन, x की वैल्यू 1, 1, 1 प्लस 5, 2, 2 प्लस 5, 3, 3 प्लस 5, 4, 4 प्लस 5, 5, 5 प्लस 5, x की वैल्यू पुट की है 0 से लेके 5 तक, 0, 0 प्लस 5 कितना होगा, 5, 1, 6, 2, 7 कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, 3, 8, 4, 9 और
5, 10। नेक्स्ट अपने इसमें क्या लिखना है, रेंज। रेंज कौन बताएगा, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे अपने पास, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखो सेट नहीं कोई दिया कि सेट अपने क्या यूज करना है ना, ठीक है, सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है तो अपने जो भी वैल्यू आएगी सब काउंट करेंगे। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसके, सेकंड एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं इसमें अपने पास, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। और डोमेन की बात करेगा तो कौन फर्स्ट एलिमेंट बताएगा, कौन, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट में अपने पास जो रिलेशन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, x, x³ और x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ये रिलेशन है। प्राइम नंबर बताने हैं लेस देन 10 कौन से होंगे, पहले तो प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, किसी और नंबर का भाग नहीं जाता और एक को आपने काउंट नहीं करना। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्सेल्फ अदर देन 1, 1 को छोड़ के बाकी जो नंबर हैं जिनमें एक और खुद का भाग जाता है वो सब क्या है, प्राइम नंबर है। कौन कौन से नंबर होते हैं, 2, फिर नेक्स्ट आता है 3, 5, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10, 11, 13, 17, सो ठीक है। अपने को सिर्फ कौन से नंबर लेने हैं जो लेस देन 10 है, कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5 और 7, ये चार नंबर है जो लेस देन 10 है। तो x, x³ कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है और 7 है। तो अपने रिलेशन लिखें, 2 x की वैल्यू 2 पुट की एक बार 3, एक बार 5 और एक बार 7। 2 to the power³ कितना होता है, 8, और 3 to the power³ 27 और 5 to the power 125 और 7 to the power³ कितना हो जाएगा, 243। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको एक फिगर दी हुई है पी और क्यू में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है और डोमेन लिखनी है। तो चलो पहले तो लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि अपने कि आर रिलेशन है ना, तो फिर अपने टाइप लिखते हैं, रिलेशन में जो एलिमेंट होता है वो किस टाइप का है, ऑर्डर पेयर का। फिर वो नेक्स्ट अपने जो लिखते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो किसका रिलेशन किसके साथ है, 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है और 7 का 5 के साथ है। और मुझे बताओ कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों में। देखो 5 है और एक 3 है और एक 6 है, एक 4 है और 7 है, 5 है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2, मतलब x माइनस y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। x एंड y की इक्वल टू होने चाहिए 2, और x किसकी वैल्यू है, p की, और y किसकी वैल्यू है, q की। x p का सेट का एलिमेंट होना चाहिए और y किसका एलिमेंट होना चाहिए, q का। ये कौन सी फॉर्म बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी थी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या ढूंढ ली अपनी, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, x माइनस y इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बताओ कौन कौन अपने लिखते हैं कि एलिमेंट किस टाइप के आएंगे ना, मतलब एलिमेंट लिखने कौन कौन से आएंगे। 5 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, और 6 का 4 के साथ, और 7 का 5 के साथ। तो जिसका मतलब रिलेशन है वो ऑर्डर पे लिखते जाएंगे ना। और नेक्स्ट अपने पास क्या है, डोमेन और रेंज। डोमेन लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट कौन बताता है, डोमेन। रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट लिखो 5, 6 और 7, और रेंज सेकंड एलिमेंट बताएगा, सेकंड पे कौन है, 3, 4 और 5। ठीक है, और ये अपनी प्रॉब्लम सब हो गई है रिलेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे फंक्शन। थैंक यू एवरीवन।